दोस्तों एक जमाना था जब लोग अपनी आंखों देखी भूतहा घटनाओं अनुभव और एहसासों का महज जुबानी जिक्र कर सकते थे, लेकिन अब तकनीक की मदद से इंसान इन अनोखे अनुभवों को कैमरे में कैद करने लगा है। आज हम आपको ऐसी ही पांच घटनाएं दिखाने वाले हैं जिनमें लोगों ने आत्माओं की मौजूदगी महसूस की। इस वीडियो को मेक्सिको के एक डॉक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसका कहना था कि रात के समय जब उनके हॉस्पिटल में एक नर्स और खुद उनके अलावा कोई भी नहीं था, तब उन्हें कैमरे में कोई शख्स चलता हुआ दिखाई दिया। Es que te estoy enfocando las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó, no mames? A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? ¡Mueve, se mueve! ¡Vete a la verga! Yo me voy. No mames. बता दें कि ये वीडियो 2009 का है, जिसमें इस शख्स के अलावा कुछ और भी अजीब दिखाई पड़ता है। ये वीडियो है कड़कड़ डूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी का, जहां 2014 के दौरान सीसीटीवी में रात के समय एक रहस्यमयी रोशनी का गोला दिखाई पड़ता है, जो कि यहां बंद पड़े कंप्यूटर्स के पास आता और उन्हें ऑन कर देता है। कड़कड़ूमा कोर्ट के अंदर जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में साइबर लाइब्रेरी में, वो अपने आप ही चलते थे, अपने आप ही बंद, सो अपने आप ही चल जाते थे रात को। भी ये कौन कर जाता है, शक हुआ तो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करे गए। इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे जब लगे तो वो तीन चार दिन बाद उसमें देखा कि गोले बोले काफ़ी बड़े बड़े गोले, छः छः इंच सात सात इंच के गोले निकलते थे, कंप्यूटर पर जाके रुक जाते थे और तभी कंप्यूटर 12 बजे के बाद एक एक करके सारे ओपन हो जाते। बता दें कि रोशनी का ये गोला दिखाई देना और फिर कंप्यूटर्स का अपने आप चालू हो जाना यहाँ हर रोज होने वाली घटना बन चुकी थी, जिसने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों के होश फाकता कर दिए। काफी सर्च करी, पैरानॉर्मल वाले भी आए और भी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थे वो भी आए, उन्होंने भी आके काफ़ी अपना कोशिश करी कि आप लोग इसमें क्या डाटा रखते हो, ऐसा कि कोई हैक तो नहीं कर रहा। काफ़ी उन लोगों ने ट्राई करी मगर वो कुछ भी उसमें अपना रिजल्ट नहीं दे पाए थे। पैरानॉर्मल वाले जो आए थे उन्होंने आके ये बताया था कि हाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं यहाँ। इस मामले की जाँच कई साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा की गई, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि ये रोशनी गोला कहाँ से आता था और बंद पड़े कंप्यूटर्स आखिर ऑन कैसे हो जाते थे। ये है इंडोनेशिया का सबसे मशहूर घोस्ट वीडियो। इसे 15 अप्रैल 2009 में YouTube पर अपलोड किया गया, जिसको अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसमें कुछ लड़के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ ही देर पहले एक अजीब चीख सुनाई दी थी। मैंने तो मुंह माला यू देखे काफी देर तक। इस वीडियो को सिर्फ रात का अंधेरा दिखाई देता है,
और फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जिसे देखकर समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये आखिर है क्या। बता दें, जिसको देखकर ये लड़के डर के मारे कांप रहे हैं, इसे इंडोनेशिया के लोग पोकोंग कहते हैं। ये एक ऐसे इंसान की आत्मा होती है जो मरने के बाद अपने ही कफन में कैद हो गई। इनके अनुसार मृत्यु के 40 दिन बाद तक आत्मा धरती पर रहती है और फिर शरीर पर बंधे कफन के खुलने पर आजाद हो जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान की मृत्यु के 40 दिन बाद भी शरीर पर बंधा कफन नहीं खुलता तो वो आत्मा शरीर सहित कब्र से बाहर आ जाती है और लोगों को बताने की कोशिश करती है कि वो आजाद होना चाहती है। ये अगला महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। मिलिए मॉरिस थीरियो से, जो 1985 के दौरान अपनी पत्नी, बेटे और पोते पोतियों के साथ एक सुखद जीवन जी रहा था। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, लेकिन अचानक उसके व्यवहार में भारी परिवर्तन आया। वो आधी रात को खड़े होकर अपनी बीवी को घूरने लगा और अपने पोते पोती को निर्दयता से मारने लगा, और साथ ही उसकी शक्ल और आवाज में भी कभी कभार भारी बदलाव दिखाई देने लगे, जिसके बाद मॉरिस को एक चर्च में ले जाया गया जहां इंसानों के शरीर से शैतानी शक्तियों को निकाला जाता था, क्योंकि उनके परिवार को लग रहा था कि मॉरिस उन्हें मार डालेगा और जरूर उनके शरीर में कोई शैतानी आत्मा समाई हुई है। And the exorcism would be the first ever recorded on videotape. A tape that shows Maurice's face changing from this to this as the bishop chanted to cast out the devil. Nancy Theria was present throughout the exorcism. When they were doing the exorcism on him, when he turned his head, I saw his face change. I saw the satanic look on his face. As the video shows, far more was about to change on Theria's face than its expression. As Bishop McKenna chants, Theria's skin seems to bubble. A deep crack has opened on his forehead. Maurice, do you feel anything? इस वीडियो में आप मॉरिस के चेहरे पर बदलाव आते हुए साफ साफ देख सकते हैं। बता दें कि इसके बाद मॉरिस कुछ दिन तक सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक उसने एक दिन अपनी बीवी के हाथ पर शॉटगन से गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मॉरिस की पत्नी का कहना था कि उसने अपने अंदर के शैतान से लड़ते हुए खुद को ही खत्म कर दिया। इस अगले वीडियो में आपको एक भूत इंसानों के साथ संपर्क साधता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस जगह का एक वीडियो 2007 में काफी वायरल हुआ था, जिसमें ये अलमारी अपने आप खुलते बंद होते दिखाई दी। इसके बाद घर के मालिक से कई लोगों ने इस भूतहा अलमारी को देखने की इच्छा जाहिर की, और उन्हीं में से एक था जॉन, जिसने यहाँ कई दिन बिताए और इस अलमारी पर नजर रखी, जिसके दरमियान उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया।
Hi, I'm John. It's day 10, 12:03 a.m. Still nothing happened. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।